ABPS न्यूज़। ABPS न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक मरहरा में स्थित पिदोरा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 30 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्राम वासियों ने केसर देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 5000 की आबादी एवं 2300 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 470 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 340 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंप रिवोल कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 400 विद्युत पोल, एक विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 8 सीसी टाइल्स रोड, 5 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि ठाकुर दास भूप सिंह, ग्राम खलीलगंज, ग्राम पंचायत द्वारा विकासखंड महारा, जिला एक। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में 8 इंटरलॉकिंग गली, 2 सीसी गली, 5 खरंजे, 2 नाली और 150 शौचालय पूर्ण हो चुके हैं। बाकी 3 स्कूलों में टाइल्स, समरसेबल, टॉयलेट घर और पेशाब घर बनवा के उनको टाइल लगवाई है। मेरी ग्राम पंचायत के ग्राम खलीलगंज में प्राथमिक विद्यालय छोटा है, बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है, उसमें कमरे भरने की बढ़वाई जाए। बारात घर, पंच घर और स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र बनने चाहिए। हमारी ग्राम पंचायत की किस्त छोटी है, ये बढ़ाई जाए, इससे हम पूरे गांव के संपूर्ण विकास कर सकें।